हेलो एवरीवन, मेरे चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ नेमत। आज की रेसिपी है कद्दू के कोफ्ते। रोज़ कद्दू का की सब्ज़ी खाते हैं, थोड़े से हेर फिर से ये स्पेशल डिश बन जाता है। बहुत ही आसान मेथड है, बहुत ही बेसिक मसाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कद्दू को छील लिया है और उसके बाहरी जो ग्रीन कलर का स्किन होता है उसे कद्दूकश कर लिया है। इसे मैंने मोटे छेद से कद्दूकश किया है और ये बहुत आसानी से खुरच लिया जाता है। तो देखिए ये रेडी हो चुका है कोफ्ते के लिए। अब इसे एक कपड़े में बहुत ही टाइटली निचोड़ लिया है ताकि इसका सारा पानी निकल जाए और ये कोफ्ता सौगी ना बने। एक प्याले में मैंने इसका पानी जमा कर लिया है, इसे सुरक्षित रखें, आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और अब कोफ्ते में हम कुछ चीज़ें शामिल करते हैं ताकि ये शेप ले सके। यहाँ पर मेरे पास कैप्सिकम का 2 कलर है, आप अपने हिसाब से इसमें कलर यूज़ करें। और साथ ही मैंने एक मीडियम साइज़ अनियन को चॉप करके डाला है, 1-2 हरी मिर्चें काट कर डाल लें। अब बाइंडिंग के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्ब इस्तेमाल किया है जो कि होममेड है, और साथ ही 1 टेबल स्पून से कुछ ज़्यादा सत्तू लिया है मैंने। ये दो चीज़ें इसलिए ली गई हैं कि सत्तू इसकी नमी को सोख लेगा और ब्रेड क्रम्ब इसको शेप देगा, इसकी बाइंडिंग करेगा। इसमें ये चीज़ें ड्राई चीज़ें ज़्यादा ना मिलाएं वरना आपके कोफ्ते डेंस बन जाएंगे। यहाँ पर कुछ पाउडर मसाले हैं जिसमें नमक स्वाद अनुसार है, 1/2 टीस्पून भर कर धनिया पाउडर है, मिर्च पाउडर है, चिल्ली फ्लेक्स है, ज़ीरा पाउडर है और गरम मसाला पाउडर है, टाटरी है यानी साइट्रिक एसिड है और हरी मिर्चें हैं। तो परफेक्ट मेज़रमेंट के लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। इन चीज़ों को कोफ्ते के जो हमने कद्दू का कश किया है उसमें मिला लें कोफ्ते के मटेरियल में। अब ये एक टेस्टी सा डो बनेगा। ढेर सारी चॉप धनिया की पत्ती डालें, आप चाहें तो मिंट लीफ भी चॉप करके डाल सकते हैं, कसूरी मेथी डाल सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पर मैंने धनिया की पत्ती डाला है, अब इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लें। लेकिन ध्यान रहे कि हाथों का दबाव बहुत ज़्यादा ना डालें वरना पानी निकल आएगा और कोफ्ते सख्त बनेंगे। तो हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लें, एक बहुत अच्छा सा डो तैयार हो जाएगा और उससे आप कोफ्ते का शेप दे दें। बड़ा या छोटा आपकी अपनी मर्जी है, मैंने लेमन साइज़ के कोफ्ते बनाए हैं। अब इसमें लगभग 10-12 कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर 750 ग्राम कद्दू लिया था जिसका बीज मैंने डिस्कार्ड कर दिया है और उसके बाद इससे इतना पल्प निकला कि इससे 10-12 कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। तो कोफ्ते सारे बना लें और मैंने एक कढ़ाही में कुकिंग ऑयल गरम कर रखा था, उसमें ये मीडियम टू लो हीट पर इसे तल लेना है। बहुत हल्के हाथों से तलना है, 2 कोफ्ते के बीच में थोड़ी डिस्टेंस रखें और धैर्य बनाए रखें, जल्दीबाजी में कोफ्ते टूट सकते हैं। ये बहुत ही डेलिकेट काम है, तो इसे संभाल कर निकाल लें। और अब कोफ्ते को एक तरफ रखें। मैंने एक थिक बॉटम कढ़ाही में 4 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डाला है और थोड़ी सी मेथी डालकर इसको बघार लिया है। 2 अनियन को बारीक कतर कर डाला है, इसे लाल नहीं करना, बस इसे सॉटे करके थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालें और तब तक भूनें जब तक कि इसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। अब हम यहाँ पर इस रेसिपी के दूसरे स्टेप में है जहाँ पर हमें एक मज़ेदार सी करी तैयार करनी है। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को चॉप करके डाला है। यहीं पर हम 2 टीस्पून टमाटो प्यूरी भी इस्तेमाल करेंगे, टमाटर इसे एक अच्छा सा टेस्ट देगा और टमाटो प्यूरी से इसे एक बाइंडिंग मिलेगी, एक थिकनेस मिलेगी। तो इन चीज़ों को अब अच्छे से हमें गला लेना है, थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा डालते हुए और स्पैचुला से थोड़ा थोड़ा दबाते हुए। तो एक करी तैयार करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसकी भुनाई होती है, तो इसे भूनते जाएं और जब तक ये एक पेस्ट की शक्ल में ना आ जाए इस प्रक्रिया को जारी रखें। यहाँ पर हमें थोड़ा सा करी में
पाउडर मसाला मिलाना होगा, तो फिर धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और नमक हमने शामिल किया है। कद्दू के कोफ्ते को बनाने में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि आप बिल्कुल टेंडर और फ्रेश कद्दू इस्तेमाल करें। कद्दू जितना फ्रेश होगा, जितना टेंडर होगा, आपका कोफ्ता उतना ही मुलायम होगा। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून फेटा हुआ दही डाला है। दही इसे एक अच्छा सा टेस्ट देता है और फिर इसे एक अच्छी सी थिकनेस और कंसिस्टेंसी देता है। तो दही बस का ख्याल रखना है कि वो खट्टा ना हो, और जब दही मिलाए उस वक्त फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखें और लगातार चम्मच चलाते रहें, इस तरह से दही फटेगा नहीं। आपको याद होगा कि मैंने कद्दू का पानी स्टोर करके रखा था, वो पानी यहीं पर इस्तेमाल कर लें। ये पानी बहुत ही कीमती है, इसमें टेस्ट तो है ही, साथ ही इसमें बहुत ही हेल्दी प्रॉपर्टीज़ होती है, और गर्मी के दिनों में ये कद्दू जो है और इसका पानी जो है वो आपको ठंडक देता है, तो इसे बर्बाद ना करें। अब एक चुटकी गरम मसाला पाउडर फिर से इस करी के ऊपर डालें ताकि इसका टेस्ट इन्हांस हो जाए, और तले हुए कोफ्ते को इसके ऊपर डाल दें। यहाँ पर फ्लेम बंद कर दें और 2 मिनट तक इसे ढककर दम दें। लीजिए, कोफ्ता तैयार है। इसे धनिया की पत्ती से सजा लें और आप देख सकते हैं कोफ्ता कितना अच्छा बना है, इसने कितना मॉइस्चर जज्ब कर लिया है, सॉफ्ट भी है। और कोफ्ता तैयार होने के बाद उसे स्पैचुला से नहीं चलाते, इसे इसी तरह से हिला हिला कर आप कोफ्ते के ऊपर करी को पहुंचा दें। तो उम्मीद है ये कोफ्ता करी आपको पसंद आई होगी। ये करी तो पूरे दुनिया में मशहूर है, इंडियन करी, तो बनाएं, खाएं और खिलाएं। थैंक यू।